आज मैं आपको लेकर आ गया विशाखापट्टनम की क्यूट सी दादी जी के पास, जो कि 80 साल की उम्र में खिलाती है आंध्र स्टाइल डोसा वड़ा थाली, जो कि सिर्फ 25 में भरपेट खाने को मिल जाती है और पूरे विशाखापट्टनम से लोग इनके यहाँ पे डोसा वड़ा खाने के लाते हैं। तो चलिए आपको दादी जी से मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे इस एज में इतनी सारी चीजें मैनेज कर लेती है। बहुत बढ़िया डोसा वड़ा इडली अच्छा बनाते दादी जी। बहुत साल से मैं इधर ही नाश्ता करता हूँ, सेम टेस्ट है, कोई टेस्ट फर्क नहीं है, ये डोसा ऐसा नहीं मिलेगा कहाँ पे। तो दादी जी देखो तो एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे डोसा लगा रहे हैं और ये इनका बैटर रखा हुआ, तो बैटर किस चीज का रहता है? डोसा बोंडा। तो देख सकते हो दादी कितनी मेहनत से यहाँ पे काम करते हैं और इस एज में भी देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से हमारा डोसा यहाँ पे लगा रहे हैं और हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। चटनी कौन सी रहती है? नारियल की चटनी। देख सकते हो भाई क्वालिटी नारियल की, तो एकदम फ्रेश नारियल की चटनी यहाँ पे बनाई जाती है, टोमेटो चटनी। तो देखो दादी एकदम अपना सीक्रेट मसाला यहाँ पे यूज करती है। तो भाई 70 साल की उम्र में भी देख सकते हो कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं और शॉप पे भी सारा देखते हैं ये। तो देख सकते हो हमारे गर्मा गर्म यहाँ पे डोसा तैयार किए जा रहे हैं। तो दादी जी अपने डोसा के लिए, इडली के लिए विशाखापट्टनम में बहुत ज्यादा फेमस है। तो दादी जी ने देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म हमारे डोसा लगा दिया है, टिफिन में डाल दिया है, अब इसको शॉप पे ले जाया जाएगा। टमाटर चटनी, टमाटर चटनी, बंबई चटनी, कार पोड़ी, ये मसाला है, सीक्रेट मसाला, वड़ा, ये आगे मेदू वड़ा, ये बोंडा, तो ये आगे गर्मा गर्म बोंडा, इडली, गर्मा गर्म इडली तैयार करके रखी हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके ऑर्डर लगाए जाएंगे। ये देख सकते हो प्लेन डोसा, यहाँ पे दो प्लेन डोसा लगाए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम के अलावा यहाँ पे लोग विजयवाड़ा से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, गुंटूर से आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेन डोसा भी मिल जाएगा, मसाला डोसा मिल जाएगा और एकदम सस्ते दाम में आपको डोसा खाने मिल जाएगा। बहुत बढ़िया रहता, टेस्ट भी अच्छा है, वड़ा इडली डोसा चटनी सब अच्छा, सब घर पे बना के इधर लाते हैं। प्राइस भी बहुत कम है, आप बाहर होटल में करने से 500-600 रुपए लेते हैं, दो डोसे का, दो पूरी का, इडली का, वही नाश्ता इधर आपको 20 रुपीस में मिल जाता है, इधर दो इडली दो डोसा का 20 रुपीस बहुत कम मिलता है इधर। तो फाइनली विशाखापट्टनम की क्यूट सी दादी ने हमारा यहाँ पे डोसा की प्लेट लगा दी है। तो डोसा के ऊपर जिसमें यहाँ पे मेदू वड़ा रखा हुआ है, तो ये इनकी कोकोनट की चटनी, नेक्स्ट ये इनकी टमाटर की चटनी और ये इनकी बॉम्बे चटनी, तो तीन टाइप की इन्होंने चटनी दी है। मात्र 25 रुपए में ये प्लेट है, जिसमें कि आपको मेदू वड़ा मिल जाएगा, डोसा मिल जाएगा, या आपने दो डोसा लगवाने तो आप दो डोसा लगा सकते हो, या चार मेदू वड़ा आपको मिल जाएंगे 25 रुपए में। तो एकदम सस्ते दाम में अगर आपको नाश्ता करना है दादी जी से आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे इनका मेदू वड़ा। तो देख सकते हो काफी सारे इसमें मसाले डाले गए हैं, धनिया डाला गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके इसको रेडी किया है। इसको मैं ट्राई करूंगा इनकी टमाटर चटनी साथ। तो इनकी जो टमाटर की चटनी है एकदम चटपटी सी है, हल्की सी खटास इसमें आ रही है और मेदू वड़ा जो एकदम फ्रेश है, गर्मा गर्म सर्व किया गया है। तो अगर आप भी विशाखापट्टनम में रहते हो और बढ़िया सा नाश्ता करना चाहते हो सस्ते दाम में, तो दादी के साथ इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनका डोसा। तो इसको मैं ट्राई करूंगा कोकोनट की चटनी के साथ। तो इनका डोसा, इनकी कोकोनट चटनी और ये मसाले का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग है। ये सिंपल डोसा तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट जो दादी के हाथ का स्वाद है और जो इनका एक्सपीरियंस है बनाने का, वो इसको बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे ले जा रहा है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी विशाखापट्टनम में रहते हो या विजिट कर रहे हो तो दादी जी को आके जरूर सपोर्ट कीजिए, इनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत ही अच्छा डोसा बनाते हैं और इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद भी दादी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। చర్చి దగ్గర విశాఖపట్నం డాబా గార్డెన్ చర్చి దగ్గర పేరు నా పేరు నాగమణి। तो दादी जी सुबह 5 बजे उसके यहाँ पे मेदू वड़ा डोसा बनाने की शुरुआत कर देती है। तो एक बार आके इनको जरूर सपोर्ट कीजिए, इनको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस डोसा की प्लेट को मैं यहाँ पर जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।